नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, UPSSC आयोग की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जो कि उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो UPSSC एग्जाम देते हैं या देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों लोअर पीसीएस सिलेबस के बारे में भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं इसको लेकर के, कब तक आएगा सिलेबस, कब तक एग्जाम होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले बता देते हैं कि आज जो 13 जून की सबसे बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से, वो बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी लोग एग्जाम देते हैं, जो लोग लिखित परीक्षा देते हैं, उनके लिए यह अपडेट आया है। यहां पर आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या कराए जाने पर जो दंड का प्रावधान है यहां पर किया गया है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर, कुछ लूप होल हैं जो कि काफी सारे लोग करते आ रहे हैं। बहुत अभी जो पिछले 2-3 पेपरों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग गलती, बहुत सारे अभ्यर्थी वो गलती करते आए हैं। तो वो दोबारा आप लोग इस गलती को दोहराएगा मत, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहां पर देखिए, पहला तो ये है, तो ये तो भाई उनके लिए जो फराडी करते हैं, यानी कि वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य अभ्यर्थी अथवा व्यक्ति द्वारा परीक्षा दिया जाना। इसके अलावा जो सेकंड आपका उसी से रिलेटेड है कि प्रवेश पत्र को कूट रचित करें, यानी कि प्रवेश पत्र को थोड़ा सा फेर बदल करके वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य अभ्यर्थी द्वारा एग्जाम दिया जाना। अगर आप ये दोनों चीज़ करते हैं तो आपको जितनी भी UPSSC की तरफ से आने वाली एग्जाम से 3 साल के लिए आपको वंचित कर दिया जाएगा। आप उसके स्थान पर कोई भी एग्जाम, उनके लिए कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा और भी जो आपके चयन संस्था हैं उनको, यानी कि SSC हो गया, कोई भी जो चयन संस्था उनको भी ये सूचित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए साफ साफ, यहाँ पर थर्ड वाला जो काफ़ी लोग करते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पुस्तिका अथवा OMR पत्र की अदला बदली किया जाना। अगर आप ऐसा करते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं ऐसी, तो उनको भी 2 वर्ष के लिए भैया आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा और जो भी अन्य चयन संस्था उनको सूचित किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चौथा और पाँचवा नंबर है, जैसे कि चौथा नंबर है आपका क्या, परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अन्य प्रतिबंधित सामग्री अपने साथ रखते हैं या इनका प्रयोग करते हैं या इनका प्रयोग कराते हैं तो यहाँ पर चेतावनी दी जाएगी। उसके अलावा 1 वर्ष के लिए आपको प्रतिवारित किया जाएगा और इसकी सूचना अन्य चयन संस्थाओं को प्रेषित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक तो आपका ये पांचवा और छठा, देखो पांचवा तो सब लोग जानते हैं कि OMR सीट की जो है, अगर आप नहीं जमा करते हैं, मूल प्रति अपने साथ लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कक्ष निरीक्षक तथा केंद्र व्यवस्थापक द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराना तथा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जाएगा और परीक्षा से वंचित व चेतावनी भी दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो 6 नंबर है ना, ये 6 नंबर ना पिछले वीडियो के एग्जाम से, युवा कल्याण अधिकारी के एग्जाम से ये बहुत चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, इसी वजह से काफ़ी सारे लोग अफवाह भी उड़ा देते हैं कि पेपर लीक हुआ था। तो यहां पर ये जो है, अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पत्र अपने साथ ले जाना, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं ना कि प्रश्न पत्र को छुपा करके बीच में से पन्ना फाड़ करके अपने साथ ले आते हैं, फिर बाद में ये होता है कि हाँ देखो व्हाट्सएप पर ये कैसे आ गया, पेपर तो जमा हो जाता है, मतलब पेपर लीक हुआ था। तो ये घटना ना यहां से निकलती है, बहुत सारी घटना यहां से निकलती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 1 वर्ष के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा। तो ये गलती कोई भी ना करे भैया, अगर कोई करता है तो आप तो समझ लो कि 1 साल के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और ऐसा करने से बहुत सारे र्यूमर्स भी फैलते हैं, तो यार सबसे रिक्वेस्ट है कि ये काम तो मत किया करो। इसके अलावा यहाँ पर अन्य प्रकरण जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है आयोग के लिए, वो आयोग उसके अकॉर्डिंग निर्णय के आयोग अपने हिसाब से निर्णय लेगा। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी भाई 13 जून की जो भी आई थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों लोअर पीसीएस के सिलेबस के बारे में, तो दोस्तों लोअर पीसीएस का सिलेबस देखिए, कंट्रोलर एग्जाम कंट्रोलर जो नंबर है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मेरी आज उनसे बात हुई थी और आयोग की तरफ से जो भी लोग वहाँ पर जॉब करते हैं, 2-3 लोगों से बात हो गई है, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आपका 20 तारीख के पहले पहले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लोअर पीसेस का जो सिलेबस है आ जाएगा। तो आराम से आप लोग तैयारी करते रहो, लोअर पीसेस का जो सिलेबस है जल्दी ही आ जाएगा और तैयारी में लगे रहो। लगातार आपको मैं हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ और लोअर पीसेस का सिलेबस आने के जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि 20 जुलाई या आप समझ लो 20 से 25 जुलाई के बीच में, 20 से 30 जुलाई के बीच में इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका होना संभावित है। तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी जो है करते रहें। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, पल पल की जो अपडेट्स हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे आप सभी अभ्यर्थियों की जो न्यूज़ है पहुंच जाए। तो अभी के लिए इस वीडियो से इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में।